22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में हर दिन करीब 2 लाख लोगों के आने का अनुमान है। अयोध्या आने के लिए 5 शहरों से फ्लाइट भी शुरू हो गई है। रेलवे नई ट्रेनें चला रहा है, रोडवेज ने भी बसें तैयार रखी हैं और अयोध्या में 675 होम स्टे और होटल भी तैयार हैं। बजट कम है तो धर्मशालाएँ भी हैं जिनमें 100 रुपये में भी कमरे मिल जाएंगे। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, यानी कि अयोध्या कैसे पहुँचा जाए इसके बारे में, और आप कहाँ पे ठहर सकते हैं, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे थे। सो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर 2023 से अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है। यहाँ से जो अलग अलग जगहों पे फ्लाइट्स भी जाती है, यहाँ से दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट मिलेगी। राम जन्मभूमि से एयरपोर्ट सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, यानी कि रामलला के दर्शन करने के बाद आधे घंटे में आप एयरपोर्ट ईजिली पहुँच सकते हैं। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपने अगले 2 साल में अयोध्या एयरपोर्ट को देश के 80 बड़े शहरों से जोड़ने का टारगेट रखा है। 19 जनवरी से कोलकाता के लिए रेगुलर फ्लाइट कोलकाता से अयोध्या तक है, जो रेगुलर फ्लाइट 19 जनवरी से शुरू होगी। सो कोलकाता में एयर इंडिया के जो एक्सप्रेस की फ्लाइट है 11:05 पर उड़ान भरेगी और अयोध्या में 12:50 में लैंड होगी। सो फ्लाइट का बेस फेयर 4,557 रुपये है। डिमांड के हिसाब से ये 12,000 रुपये तक जा सकता है। सो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि आप अयोध्या कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे कैसे ठहर सकते हैं। बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। अगर आप होटल्स में स्टे नहीं करना चाहते, अगर आप रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, तो एक टूरिस्ट प्लेस है, न्यू टूरिस्ट प्लेस अगर हम कहते हैं तो कह सकते हैं कि वहाँ पे रोज़ाना 2 लाख के करीब लोगों के आने का अनुमान भी लगाया जा सकता है। और वहाँ पे धर्मशालाएं में जाके आप स्टे कर सकते हैं, उसके अलावा होटल्स में भी जा सकते हैं। और वहाँ पे अगर दूरी कहें एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट की दूरी वहाँ से आधे घंटे की होगी। अपडेट लेके रूबरू होंगे, देखते रहें लुधियाना लाइव।